अब की बार जी जयंत के चैन चौधरी के पीछे है, जाटों का गांव है हमारा। चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे लेकर चलना चाहता है गांव हमारा। अब लक्ष्य है जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ मिला है और इसी से वे आगे बढ़ के अपना प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे। मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट जितना वो बोलते हैं अगर उतना वो धरातल पे काम कार्य कर दें तो उन्हें जरूरत ही ना किसी का सपोर्ट लेने की। हमारा गठबंधन जी बीजेपी से है और आरएलडी के हम सपोर्टर हैं। हम चाहते हैं जी कि आरएलडी की इनके साथ बनी रहे। मोदी सरकार में पिछली दो योजना में किसी को नहीं देखा गया है। किसान हमारा बिल्डर से दुखी है, बिल्डर ने हमारे हितों की बात कतई नहीं करी। बात तो करी है लेकिन काम नहीं करा। लोकसभा चुनाव 2024 की गूंज तो आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि किस तरीके से सारी जो पार्टियां हैं वो लगातार जनता को रुझाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही है। श्रेष्ठ भारत की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है और जमीनी हकीकत आप सभी को दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद के मेहरौली में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में हम लोग यहां पर आज बातचीत करने वाले हैं गांव वालों से कि आखिर इलेक्शंस को लेकर क्या माहौल है, क्या चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बने और यहाँ पे आखिर क्या क्या समस्याएं हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या लग रहा है आपकी बार, माहौल क्या है? जी हम तो जाट है, जाटों का ही हमारा गांव है। अच्छा। पूरा। और हम आरएलडी में ही हैं अभी, इससे अलग हम जाएंगे भी नहीं। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री पद पर किसको देखते हैं आप, कौन बने प्रधानमंत्री? जयंत चौधरी बने। जयंत चौधरी, हम तो जयंत चौधरी के कारण। जयंत चौधरी वैसे तो आप बीजेपी में ही है, गठबंधन? गठबंधन अभी तो किया है। हाँ। पहले तो नहीं था। लेकिन जयंत चौधरी इतना बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, अब एकदम से कैसे उनके साथ आ गए हैं? ये क्या अंदर की बात है? कुछ ना कुछ तो है अंदर की बात। तो अभी तो आप बड़े कट्टर आरएलडी बता रहे, तो बताइए अब अंदर की बात क्या है? अंदर की बात अभी हमें पता नहीं है इतना, अंदर की बात क्या है। हाँ। लेकिन है जरूर अंदर की बात। हाँ, अंदर की बात ऊपर तक पहुँचा देगी क्या जयंत चौधरी को? पहुंचा देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या समस्याएं आपको लग रही है, क्या समस्याएं हैं जो आपकी पांच साल में क्या क्या काम होना चाहिए, क्या काम आपके लिए हुआ है ये बताओ मुझे। काम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब मोदी जी नहीं आ रहे आपकी बात? नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। कौन आएगा उनके बदले में? जयंत चौधरी। एक ही नाम देखिए पकड़ के बैठे हुए हैं। बताइए क्या लग रहा है आपके बार, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल बन रहा जी। अच्छा, मोदी जी नहीं आएंगे क्या आपकी बार? मोदी जी प्रधानमंत्री रह जाएंगे। अच्छा। वो तो एक जगह ही मिले हो रहा, उसमें क्या दिक्कत है? राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी का कहाँ दिखाई दे रहा काम? वो तो दिखाई नहीं दे रहा उनका तो। उनका तो गठबंधन बन रहा, बनाते बनाते कभी कहीं भाग जाओ, कभी कहीं भाग जाओ। माहौल बढ़िया चल रहा जी। चलिए ये बताइए गांव की क्या समस्या, पिछले पांच साल में आपके लिए क्या काम हुआ है? देखो जी, हम तो इसमें रोड बनवाना चाह रहे हैं। हाँ। जो आज तक बनिया ना, और एप्लीकेशन भी दे दी हमने तो निगम में, यो ही ना बनिया होगा। नहीं बना, नहीं बना। किस स्तर तक गए हैं आप इस समस्या को लेकर? ये मेयर तक गए हैं। अच्छा। जो हमारे मेयर है उसके पास गए, पहली एप्लीकेशन दी, सर्वे करा दिए। हाँ। सारा कर दिया, क्योंकि सरकार बदल रही है और दूसरी मेयर बदल रही है जी। अभी तक कुछ हुई है ना, सुनवाई हुई ना, दूसरे भी एप्लीकेशन दे दी। अखिलेश यादव बन पाएंगे प्रधानमंत्री? वो भी उनका क्या मतलब, उनका तो कोई मतलब ही ना। इनसे चाचा से बात करते हैं, ये बताइए आरएलडी पहले समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा भूल चल के बोलती थी, अब क्या हो गया? अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे क्या प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव नहीं बनेंगे। क्यों? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं। वजह तो होगी कोई? वजह उस बात पे जाने अपनी अंदर नहीं। अच्छा। हाँ, अपनी अंदर की बात है। नहीं बनेंगे। चलिए ये बताइए क्या लग रहा है आपके बारे, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि गांव की क्या समस्याएं जो कंप्लीट होनी चाहिए। गांव में एक तो पानी की निकासी नहीं है जी, और जब से लोकदल बीजेपी के साथ आई है तो अब बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, लोकदल की वजह से काम हुआ है मतलब? अच्छा। नहीं, काम हमारे गांव में नहीं हुआ जी, लेकिन अब जब चौधरी जयंत ने गठबंधन कर लिया तो हम जयंत के साथ जी, बीजेपी को वोट देंगे बीजेपी को जी।
बीजेपी की तरफ से किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। कोई और नया चेहरा देखना चाहते हैं? उसके बाद में योगी। चलिए ठीक है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ना ना वो ना बने कभी जिंदगी में भी ना बने। प्रियंका गांधी तो यूपी का मोर्चा संभाले हुए हैं। ना 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 वो ना बने जी, नहीं बन पाएंगे। नहीं ठीक है। आप बताइए क्या सोचते हैं, आप क्या ख्याल है आपका काम काज को लेकर यहाँ का और सरकार के बारे में? क्या काम का तो ये है, पिछली बार सांसद जी हमारे वीके सिंह थे, ठीक है। वो बस एक बार आए थे 5 सालों में। हाँ। क्या उसके बाद उनके कायदे नहीं बनता अपने गांव जहाँ से वो जीते हैं शहर की, दोबारा वहाँ पर जाएं? बिल्कुल आना था पर नहीं आए वो, नहीं। ये उनकी कमी है, इनको मानते हैं, उनको देखना चाहिए यहाँ पर क्या है क्या नहीं। और जयंत चौधरी की बात यह है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अब से पहले, जो ऐसे वो समाजवादी के साथ थे और भी पार्टी के साथ थे, अपनी खुद की थे, वो अभी उन्हें एक रास्ता मिला है। और आज छोटे स्तर पर ना, कल बहुत बड़े स्तर पर, आज के बाद कल को नया चेहरा प्रधानमंत्री का जयंत चौधरी का ही होगा। क्या बात है? अच्छा। जी तो अभी प्रधानमंत्री को कोई टक्कर देने वाला है? जी अभी तो नहीं है, आपको ये भी आप क्लियर है तो सबको ही पता है, अभी तो नहीं है, पर आने वाले में जयंत चौधरी का आप लिख के ले लो, प्रधानमंत्री जयंत चौधरी ही होनी है। जी मायावती टक्कर दे सकती हैं? ये तो सब नीचे चल रही है, आपको भी पता है। हाँ। लहर जो है वो तो सबको बताने की ही जरूरत नहीं है, पर ये इन्हें कोशिश करनी चाहिए, ये हार मान रहे हैं पहले, कुछ तो कोशिश हो भाई, कोई तो खिलाफ हो, ये तो खिलाफ में नहीं हो रहा कोई, ये बात है। अखिलेश यादव आ सकते हैं? अखिलेश यादव नहीं है, वो तो वो इनकी सपोर्ट मेन थी जयंत चौधरी, जयंत अब एक का किसी इंसान का एक हाथ कट जाए तो फिर क्या रह गया, अब जब जयंत ही हट गए तो। लेकिन ये मुझे ये बताइए कि अंदर की बात क्या है, पहले समाजवादी पार्टी के साथ अब बीजेपी के साथ आ गए हैं? बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, तो जयंत चौधरी को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि वो आगे चल सके, एक होता है ना स्टूडेंट का कोई रूट, अब लक्ष्य है, और जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ मिला है और इसी से वे आगे बढ़ के अपना प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे। विकास होगा आपकी बात? विकास होगा जी, बिल्कुल होगा। सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि वो हमारी बातें सुनते हैं। हाँ। जैसे हम उनके पास जाते हैं ना, ये कि बाद में आ जाओ ये आ जाओ, तुरंत मिलते हैं, हम पर्सनली भी मिलते हैं जाके, ये नहीं कि भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो मैं नहीं मिलूंगा छोटे छोटे आदमी से, जाते ही इंट्रोड्यूस सामने से बिल्कुल कि आइए भाई आप बस समस्या बताइए, खुद अपने हाथ में एप्लीकेशन लेते हैं, ये नहीं कि पीए को या वहाँ दे दीजिए मेयर के वहाँ या मजिस्ट्रेट के, खुद लेते हैं, खुद पढ़ते हैं उसको और फिर उस पर ध्यान देते हैं, बाकायदा बाद में फोन भी आता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, मगर जी बिल्कुल हुआ है, ये चीज है जी। ठीक है, आपका क्या ख्याल है, क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार जी जयंत के चैन चौधरी के पीछे है, जाटों का गांव है हमारा, चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे लेकर चलना चाहता है गाँव हमारा। हाँ। बेशक लाइन में लगे हुए सबसे पीछे वाले आदमी की साइड चौधरी साहब देखते थे, मोदी सरकार में पिछली 2 योजना में किसी को नहीं देखा गया है, किसान हमारा बिल्डर से दुखी है, बिल्डर ने हमारे हितों की बात कतई नहीं करी, बात तो करी है लेकिन काम नहीं करा। ये वेव सिटी को ले लो, हमारे किसानों की जमीन गई हुई है, अनौपचारिक रूप से ले ली गई है, जबरदस्ती चल रहा है, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता, जो कमिटमेंट किए गए थे उस पर रियलाइज नहीं कर रहे कुछ भी, और किसानों को हम त्रस्त हैं, जो हमारा हक था जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, किसानों की जो राइट टू एजुकेशन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई चिकित्सा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, रियल अमाउंट जो मिलनी चाहिए हमारी जमीन की हमें वो नहीं, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं है, सिर्फ लूट मची हुई है। बीजेपी सरकार किसानों के साथ छल करने वाली है, किसानों का हित कतई नहीं साधती, मजदूरों की तो कहीं गिनती ना आज। मेहरौली गांव में नॉर्मल गांव है, इतना सोना गांव है हमारा जिसकी कोई हद ना है, दलितों का कोई कभी अपमान नहीं होता, जाट और सात तो जात बड़े मिलजुल के चले हैं, लेकिन बिल्डर कुछ नहीं सोचता। रही मोदी जी की बात, मोदी जी ने तो अगर चौधरी चरण सिंह के बारे में सोच लिया हमें थोड़ा सा सम्मान दे दिया, इस मारे हम इनकी गैल हो लिए चौधरी साहब हमारे जयंत चौधरी, नहीं तो कोई मतलब ना, जो बीजेपी की गैल गांव किसान हो जा, क्योंकि किसानों की बीजेपी ना तो बीजेपी की ये कैसे हो जाओगे, ये तो हमारी मजबूरी है, जो हमारे जयंत ने इससे हाथ मिला लिया कुछ हमारा भला करने के गरीबों के लिए, इस भले के चक्कर में ही हम वोट जो गठबंधन का है सॉरी जो इसके बीजेपी का कैंडिडेट है हमारे क्षेत्र से ये अतुल गर्ग जी हैं, आदमी बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति विशेष की बात करी जाए किसानों के साथ बैठते हैं, समन्वय बड़ा अच्छा है, लेकिन जो पार्टी की बात करी जाए हमारा गांव तो त्रस्त है, पिछले 27 साल से नगर निगम में हमारा गांव है, आज तक कोई पानी की और निकासी पानी की या पीने की कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं दी गई है, अवहेलना हुई है हमारे गांव की, बस थोड़ा सा बीजेपी से हम शिकायतें हैं, हमें दिली तमन्ना है कि बीजेपी हमारे किसानों के लिए थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा भी सोच ले तो देश में सुख शांति बन जा, किसानों की उचित फसल का नहीं दिया जा रहा दाम,
इवन उनकी जो समस्याएं उनको दिल से नहीं सुनते, बेसिक रिजोल्व ना करें, उन्हें समस्याओं का निवारण ना करें, कम से कम इज्जत से सुने तो सही। हम मूल निवासी हैं भारत के, 70% देश की जनता कृषि पर आधारित है भारतवर्ष की, और उस 70% को ना सुन के कुछ पूंजीदारों की सुनते हैं, किसी का भी आके खेत घेर लें, खड़ी फसल में बुलडोजर चला दें, हमारे बड़े बुड्ढे इनकी इज्जत खराब हो जाओ, ये तो हम संयम वाले हैं जो हम इन, 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 हम ना करते आतंक मचा दे नहीं तो हम तो। ये बताइए अब की बार जब दोनों साथ में आ गए आरएलडी और बीजेपी, तो अब की बार उम्मीद में किसी आस में बीजेपी को वोट दे रहे हैं या फिर जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए हैं कि उनके नाम पर आप बीजेपी को वोट देंगे? देखो नो डाउट माहौल जो है मोदी जी का है। मोदी जी ने कुछ जो एडवर्टाइजमेंट इतने हैवी करते हैं कि दुनिया में जिसे बालक को हमारे गांव के का पूरे हमारे देश के बालक को अपने बाबा का नाम ना पता होगा वो मोदी जी को जरूर पहचान लेगा। सगे बाबा को ना पहचाने, बाबा के भैया को ना पहचाने हमारे कुनबे में, पर मोदी पहचान जाओगा। एडवर्टाइजमेंट है लेकिन हम मोदी से ये आस करते हैं, ठीक है अच्छा है भारतवर्ष चलना है, जो हमारे संविधान है उसके आधार पर चला, में जबरदस्ती किसी को उठा के जेल में ना गिर दे, वहीं चल रहा देश तरीके से ना चल रहा है, सच्चाई पर चला हुए, ये भारतवर्ष राम का देश है, हमारी गांव वालों की इच्छा कायदे से चले हिसाब से, राम दुआ बनी रहे सबकी और देश बढ़िया चला हुए। नहीं बीजेपी के पीछे क्यों है हम, इसका कोई दो राय ना, जैन चौधरी के मारे हैं उसके पीछे बीजेपी के, नहीं तो अगर बीजेपी किसानों की होती तो जैन चौधरी खुद भी ना बुलाए वहां चले जाते। आप अभी लगातार ये बात बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अपना एडवर्टाइजमेंट इतना बेहतरीन कर दिया है, तो ये जितने भी मोदी को वोट देंगे, मोदी जी को अगर कोई वोट दे रहा है, तो ये सारे मोदी भक्त हैं या अंधभक्त हैं? अंधभक्ति कुछ नहीं, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है जी। हमारा गांव है बड़ा ही सिंपल है, किसी के बहकावे में ना आता ना किसी भगाता, ठीक है जी, मेहरौली गांव है, बड़े तरीके से चले है। मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट जितना वो बोलते हैं अगर उतना वो धरातल पे काम कार्य कर दें तो उन्हें जरूरत ही ना किसी का सपोर्ट लेने की, वो तो स्वयं निर्दलीय जाएगा पूरे उनके 400 क्या मुझे ऐसा लगा 542 की 42 ले जावे, क्योंकि हम और आप खुद वोट देंगे उन्हें, क्यों किसी से गठबंधन करना हमें, क्यों किसी के हमें तड़वे चाटने फिर जाएंगे। आपकी क्या समस्या है? जी हमारी ऐसी अच्छा कोई समस्या नहीं है, हम तो गांव के फेवर में काफी ज्यादा, मतलब हमारी उठ बैठ है, हम सारे के सारे हमारे जाट भाई हैं, हम तो स्पेशली बनी है, हमारे सारे के सारे जाट भाई हैं, हम बहुत मानते हैं सब लोगों को, पर जैसे जैसे अब एज सच इनकी आरएलडी सरकार है तो मैं इनकी बिल्कुल फेवर में हूँ कि आरएलडी सरकार आनी चाहिए। ये गठबंधन ये सारी चीजें, गठबंधन एक रोल है जैसा आप समझते हैं सारी चीजें, गठबंधन एक रोल है, जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते हैं बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाता है, समाजवादी ने जब अपने जयंत चौधरी को इतना सपोर्ट नहीं करा, जब गांव के लोग सब जयंत चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सोचता है हम गांव के लिए, किसानों के लिए, हर आदमी के लिए सोचता है, तो जब हर चीज़ के लिए जब वो सोचता है तो किसान किसके लिए जाएंगे आप खुद बताइए, जो इंसान जिसके लिए सोचेगा आप उसके लिए तो जाएंगे। अब मोदी बहुत बड़ा सर्कल है, मोदी कहाँ कहाँ जा सकता है, हर जगह नहीं देख सकता वो। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, हम बनिए होते हुए भी हम पूरे सपोर्ट में हैं, पूरे सपोर्ट में हैं। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है आपकी बार हवा कहाँ है, लहर कहाँ है? मैम मेरा मुद्दा रहेगा जी जवान पे और किसान पे, ठीक है। और अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं की बात किसी ने नहीं करी, तो हमें लगता है जी पिछली योजना से हम युवाओं के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो भर्तियां लिख रही है जी पेपर लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाती हैं, बहुत ज्यादा नौजवान हमारे गांव में भी, देश बहुत बड़ा है जी, अगर देश की बात भी लें, प्रदेश की भी लें, गांव की भी लें, तो युवा बहुत परेशान है, उनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए नौकरी का, ठीक है जी। और रही किसान की बात, तो किसान की फसल का दाम अच्छा मिलना चाहिए, तो हम क्यों बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, इसीलिए तो हम बीजेपी के खिलाफ है ना, हमारे युवा के लिए कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम एक किसान वर्ग से आते हैं जी हम, और जी हमारे किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। देखिए राहुल गांधी लगातार बोलते हैं कि अगर सरकार बनती है तो युवाओं के लिए तमाम कार्य वो करेंगे, लगता है कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो कुछ काम करेंगे? मैम चुनाव से पहले तो सब बोलते हैं, देखो जी बीजेपी भी जो जो वादे करती है, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद देश में पूर्ण रूप से बीजेपी है, सारे वादे तो वो भी पूरे नहीं कर पाई, तो कांग्रेस तो सब बहकाना चाहती है, देखो कांग्रेस की तो बात ना ही हो तो ये अच्छा है। हाँ जी हमारा गठबंधन जी बीजेपी से है और आरएलडी के हम सपोर्टर हैं, हम चाहते हैं जी
कि आरएलडी की इनके साथ बनी रहे और हमारे युवा के लिए और किसान के लिए भी कुछ काम हो आगे से। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है आपके बारे, लहर कहाँ है? आरएलडी के सपोर्टर है। हाँ जी, मतलब बीजेपी को वोट जाएगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है? आरएलडी के सपोर्टर। देखिए, हम लोग गाजियाबाद के मैरोली में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर हवा जो है वो पूरी तरीके से जयंत चौधरी के फेवर में है, लेकिन गठबंधन हो चुका है तो इसीलिए यहां पर वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा। सीधी साफ तौर पर ये बात है कि वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा, क्योंकि गठबंधन हो चुका है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, गाजियाबाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।